बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन के बहाने किडनी निकालने का मामला सामने आया है। यहां एक प्राइवेट अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत पर पीड़ित महिला इलाज कराने पहुंची थी। डॉक्टर ने महिला से कहा कि यूट्रस का ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर के कहने पर महिला के परिजन तैयार हो गए। इसके बाद एक हफ्ते पहले यानी 3 सितंबर को ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसके बाद ही उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक परिजन जब उसे लेकर पटना के पीएमसीएच पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यहां डॉक्टरों ने बताया कि इस महिला की दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं। बरियापुर जिले की सुनीता देवी के परिजनों ने निजी नर्सिंग होम के संचालक पवन कुमार और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों पर किडनी निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद बरियापुर थाने में FIR दर्ज कराई गई। पीड़िता के भाई ने बताया कि इसके बाद बड़े डॉक्टर आए और उन्होंने ऑपरेशन किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद बहन की हालत और भी खराब हो गई। इस पर डॉक्टरों ने उनको पटना ले जाने के लिए कहा। अरुण ने कहा कि इसके बाद वे लोग कई हॉस्पिटल गए। इस दौरान जांच में पता लगा कि उसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं। वहीं पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि पेट में गोला है, निकालना पड़ेगा। जब ऑपरेशन कराया तो दोनों किडनियां ही निकाल ली गई। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किडनी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।